बात करेंगे नेपाल वोमेन वर्सेज हॉन्गकॉन्ग वोमेन्स के बीच जो यहाँ पर टी मुकाबला खेला जाएगा सबसे पहले दोनों टीमों का हम लोग स्कोर कार्ड देखें क्या फॉर्म कौन से प्लेयर का चल रहा है वैसे नेपाल वोमेन हाल ही फिलहाल दो हज़ार से बहुत सारे मुकाबले यानी पांच टी मुकाबला जो मलेशिया वोमेन से खेला था तो लगभग हम लोग नेपाल वोमेन्स के सारे प्लेयर के बारे में जानते हैं होंगकोंग भी लगातार हाल फिलहाल दिनों में अच्छा खासा क्रिकेट खेल रहा है तो उनके ऊपर भी बात करेंगे और के पक्ष में बनाएंगे सारा कुछ देखेंगे तो वीडियो पे बने रहना तो मेरे भाई अगर यदि आप ऐसे मुकाबले को खेलना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना क्योंकि वहाँ पर मिलेगा आपको फाइनल टीम जिस टीम से मैं खुद खेलता हूँ इनके अलावा जी का टीम पिच रिपोर्ट प्लेइंग लेवन यानी कि बेहतर से बेहतर शानदार से शानदार टीम बनाने के लिए जितने चीज़ों की आवश्यकता होती है सारा कुछ टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ तो आपको ज्वाइन करना किस प्रकार है सिंपल है मेरे भाई हमारा टेलीग्राम चैनल आपको इस प्रकार से दिखाई देगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने हुए हैं जो हू बहू आपको डोमेस्टिक प्लेइंग लेवन नजर आएंगे उनसे आपको बचना है ओरिजिनल चैनल वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर टॉप कमेंट पे लिंक होगा उनकी सहायता जुड़े हुए औरिजिनल चैनल में आके ओरिजिनल का फ़ायदा आप उठा सकते हो तो मेरे भाई दोनों टीमों की बात की जाए तो लास्ट मुकाबला आपको 2022 में दोनों टीमों ने आपस में खेलते हुए नज़र आई लेकिन 17 जून को 2023 में एक मुकाबला था लेकिन वो बारिश की वजह से ओबेंडेड हो गया तो दोनों टीम आपस में नहीं खेल पाई तो 2023 का 2023 में था 17 को तो ये बारिश कारण नहीं खेल पाई तो उसके बाद तेईस में दो में ये फर्स्ट मुकाबला इन दोनों के बीच लेकिन जो होने वाला है लेकिन लास्ट मुकाबला इनका 2022 में खेला गया था तो इनके ऊपर बात करेंगे तेईस का ये फर्स्ट मुकाबला होगा जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ तो नेपाल का बी रावल ओपन आई तेईस रन बनाई रूबीना चेत्री जब बर्दस्त ऑलराउंडर सीता राना मगर दुर्भाग्य तरीका से रन आउट नौ रन बनाकर इंदु वर्मा तो देखो सीतारमन मगर की बात की जाए सीता राना मगर इंदु वर्मा रूबीना चेत्री इन तीनों के ऊपर निर्भर करेगा कि स्कोर कहाँ जाता है बाकी हांगकॉन्ग वोमेंस की तरफ से तो यहाँ पर देखा जाए बेट्टी चेन दो विकेटें लगी अब यहाँ पर देखा जाए हांगकॉग वोमेंस का हम लोगों ने बहुत सारे सीरीज भी खेला इनका मैच भी खेला तो इनके प्लेयर के बारे में भी हम लोग जानते हैं यानी नेपाल हांगकॉन्ग के प्लेयर के बारे में भली भांति हम लोगों को कहीं दिक्कतें नहीं आनी चाहिए अब बात रही तो कॉम्बिनेशन और लक पर तो कॉम्बिनेशन भी समझेंगे मार्को हिल जबरदस्त ऑलराउंडर है कैप्टन वाज का बेस्ट ऑप्शन होगा गेंदबाजी करती है बल्लेबाजी करती है हर जबरदस्त करती है कैरी चैन भी इंपॉर्टेंट है कैप्टन वाज के लिए कैप्टनशी कर रही है बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों करती है अभी जो हाल फिलहाल कुछ टाइम पहले डोमेस्टिक चल रहा था वहाँ पर कैरी चैन जम के बरस रही थी आपको याद होगा बाकी यहाँ से देखा जाए नेपाल की गेंदबाजी में एस राई एक बढ़िया इनका स्पिन गेंदबाज है सिर्फ गेंदबाजी करते बाद में यहाँ पर सीता मगर जो कि थोड़ी सी मोटी जैसी है और देखा जाए तो अच्छा खासा ये गेंदबाजी करती है और साथ में ओपन भी आते है तो हैं तो इम्पोर्टेंट रहेगा कविता तक शुरुआत में फास्ट गेंदबाजी करता है इनका फास्ट गेंदबाजी देखोगे तो देख के बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा गजब के स्विंग के साथ गेंदबाजी करती है तो दोस्तों इसी के साथ 2021 में भी एक मुकाबला खेला गया जहाँ पर होंगकोंग ने ही विन किया लेकिन नेपाल ने क्या किया सीता राना मगर ने चालीस इंदू वर्मा इकतीस दुर्भाग्य तरीका से रन आउट गेंदबाजी में केरी चैन एक विकेट बेट्टी चैन भी एक विकेट ले गई बाक़ी यहाँ से देखा जाए रुचिता की बात की जाए यहाँ पर एक मेडल साथ उन्नीस रन दिया हालांकि अच्छी गेंदबाजी रही हांगकांग की बल्लेबाजी मार्को हिल फिर से हाईएस्ट स्कोरर रही नेपाल के सामने गेंदबाजी में एक विकेट राना मगर एस कविता कन्वर ये रही तो मेरे भाई वो तो हेड टू हेड रिकॉर्ड था लेकिन हांगकॉन्ग अपना लास्ट मुकाबला जो खेल के आ रहे वो किस प्रकार से इनका फॉर्म है तो जापान वोमेंस के खिलाफ यहाँ पर 27 मई को 2023 में ही खेला जहाँ पर इस तरह से इनकी बल्लेबाजी रही इकतीस कैरी चैन यहाँ पर मार्को हिल नहीं खेली थी अगर यदि मार्को हिल खेलती तो स्कोर का नतीजा कुछ और रहता क्योंकि बड़ा बल्लेबाज है अब यहाँ से देखा जाए इनकी गेंदबाजी तो गेंदबाजी बैटरी चैन दो विकटें जबरदस्त स्पिन गेंदबाजी है छोटी है लेकिन काम का है तो होंगकोंग आपको चाइनाज़ प्लेयर की तरह आपको नजर आएगी मारियाम बिब्बी ये भी गजब का स्पिन गेंदबाजी करते तीन विकटें ले कैप्टन भी भी दे सकते हो जिस तरह से ये गेंदबाजी करते हैं ना लेकिन नेपाल उतना भी कमज़ोर नहीं है तो इस वजह से कैप्टन भीजित ना लेकिन ट्राई तो करेंगे अमता चेम की बात की जाए ये फास्ट गेंदबाजी करती है बल्लेबाजी मिलने पे कुछ हद तक आपको रन करके दे देगी ए सी यू की बात क्या ये भी फास्ट गेंदबाजी करती है बाकी कुछ नहीं यही दोस्तों हांगकॉन्ग वोमेंस चीन वोमेंस के ख़िलाफ़ यहाँ पर खेली थी जहाँ पर इन्हें हार का सामना करना पड़ा गेंदबाजी में वेट्टी चैन तीन विकटें कैरी चैन दो विकटें अमंदा चेंग की बात क्या एक विकटे ए सी यू भी एक मेडन के साथ एक विकटें ले गई होंगकोंग की बल्लेबाजी में ये सांटो ने यहाँ पर सत्रह बाकी कोई दोरा अंक पे नहीं गया और इनको हार का सामना करना पड़ा ये कौवा काफ़ी काई काई, काई काई कर रहा है तो दोस्तों तो मेरे भाई नेपाल वुमेंस का देखा जाए लास्ट तो मलेशिया के खिलाफ खेला था इनके बारे में हम लोग काफ़ी नज़दीक से फिर भी देख लेते हैं कविता जोशी लास्ट में इन्होंने दो विकेट ले गजब की स्पिन गेंदबाजी शुरुआत में इनसे कम गेंदबाजी कराया जा रहा था किसी मैच में दो ओवर लेकिन इस मुकाबले में जिस तरह से इन्होंने गेंदबाजी की तो वैसा लगा कैप्टन साहब को कि भैया चार ओवर इनको करा ही देते हैं आई बिस्टेक एक विकटें ले गए बल्लेबाजी में राना मगर यहाँ पर चौंतीस रूबीना छेत्री तय दोनों जबरदस्त ऑलराउंडर है बाकी ये रही अब चलिए कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है जी हमारे भाई, भाई कॉम्बिनेशन तो देखेंगे लेकिन इससे पहले यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर रहे हो अलग अलग फ़ायदा आता है अलग अलग ऑफर आता है जिनका वैलिडिटी दो घंटा रहता है और मैं वीडियो डालता हूँ वो फ़ायदा उठा लेता आप वंचित रह जाते हो तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए इनके अलावा कोई जानकारी लेना हो इंस्टा पर मैसेज करो मैं वहाँ पर सारे लोग का रिप्लाई भी देने का प्रयास करता हूँ वो भी शानदार बेहतर तरीका से बात करेंगे नेपाल वुमेन्स का बेस्ट प्लेयर तेज सीता राना मगर वीना जेत्री आई इंदु वर्मन इनके अलावा कविता जोशी जिस तरह से लास्ट मैच में गेंदबाजी की उम्मीद है करेगी इनका एक कविता कन्वर नाम की होगी ये ये ऑलराउंडर की भूमिका में कई बार इन्हें ओपन भी भेजा गया बाकी यहाँ से अभी किन्हीं अन्य के ऊपर नज़र भी नहीं डालना है क्योंकि लेडीज़ है आपको पता नज़र नहीं डालना अब यहाँ से देखा जाए हॉन्गकॉन्ग वुमेन मारियान बीबी यहाँ से इम्पोर्टेंट रहेगी बाकी चलते हैं ऑलराउंडर में केरी चैन मार्को हिल बेटी सात ऑलराउंडर सातों बेस्ट है अब यहाँ से देखो एन मिल्स का रिकॉर्ड जो है ना अच्छा है सिर्फ बल्लेबाजी करता है लेकिन अच्छा है तो यहाँ से इनको हम पिक कर लेंगे बाकी इनके विकेट कीपरिंग में देखा जाए तो विकेट कीपर को ड्रॉप करके चलते हैं ड्रॉप करके चलने का मतलब है कि कौन सा विकेट कीपर होना चाहिए देखो पहला चीज़ तो वो विकेट कीपर बेस्ट के साथ साथ विकेट कीपरिंग भी करना चाहिए काजल श्रेष्ठ था ठीक ठाक है लेकिन इनकी टीम कमज़ोर है वाई दो दशवनी की बात के अगर यदि ये खेलती है टॉप ऑर्डर पे बल्लेबाजी करते है। इनकी टीम पहले बल्लेबाजी तो ये इम्पॉर्डर रहेगा एच यंग चेंग ये तो विकेट कीपरिंग अक्सर करते हैं और इनको खिलाया जाता है हालांकि बल्लेबाजी बहुत नीचे आती है तो यहाँ पर थोड़ा सा देखना होगा बाकी काजल श्रेष्ठ था इम्पोर्टेंट है लेकिन मैं तो कहूँगा एचियंग चेंग के ऊपर जाऊँगा और कैप्टन बीसी की बात कर देखो भैया कैप्टन बीसी का बहुत ज़्यादा च्वाइस है क्या च्वाइस है चलिए यहाँ पर देखते हैं एक दो तीन चार पाँच अब थोड़ा कम देखा जाए तो ये दोनों भी हल्का हल्का आता है लेकिन ये पाँच बहुत ज़्यादा आता है बाकी यहाँ से कौन कौन से प्लेयर जीएल का ट्रंप कार्ड होगा उसके ऊपर नज़र डालते ए सी यू चार ओवर करने की क्षमता रखती खेलेगी तो आई बिस्ट पार्ट टाइम गेंदबाजी करती है इनके अलावा अगर यदि ये खेलती है तो इनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है तो खेलेगी तो इम्पोर्टेंट लेकिन मलेशिया सीरीज़ में इन्होंने बहुत ही घटिया प्रदर्शन किया मलेशिया सीरीज़ से पहले देखोगे तो लगातार बेहतर किया आई सर फास्ट गेंदबाजी चार ओवर करने की क्षमता रखते हैं ये भी ये इम्पोर्टेंट रहेगी एस राय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेपाल का प्लेयर खेलेगी तो बढ़िया क्वालिटी स्पिनर है अब किनके जगह इनको ट्राई करूँ मैं सोच रहा हूँ और आगे भी सोचता रहूँगा एस कुमारी भी ठीक ठाक है लेकिन यहाँ से एस राय से बेहतर मुझे नहीं लगता कोई प्लेयर है अब इस राय को किन के जगह पिक करूँ यहाँ पर अगर यदि बल्लेबाजी पे रहता तो मैं शायद ड्रॉप कर देता अब बल्लेबाजी में एक बल्लेबाज पिक करना इनके जगह किन को पिक कर पहला नाम आता बी रावल को पिक कर सकते हो एस शहजाद को जो कि पार्ट टाइम कभी कदार गेंदबाजी कर जाती है इस खड्डा को यहाँ से चाहो तो ट्राई कर सकते हो इनके अलावा पीटो ए बेगम खास नहीं है तो हमारा कैप्टन वी जो होने वाला भैया हमारा कैप्टन होने वाला मार्को ही वी सी वी सी हमारा रूबीना चेत्री यहाँ से बी सी या फिर कैरी चैन के ऊपर मैं जा सकता हूँ तो क्या करना आपको ये टीम सेव करके रखना मेरे भाई इसमें जो भी चेंज होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा कहाँ अरे अपने टेलीग्राम चैनल डोमेस्टिक प्लेइंग एलेवन पे तो मेरे भाई फिलहाल के लिए वीडियो को यही समाप्त करता हूँ आशा करूँगा भगवान की कृपा से हम लोगों का रिजल्ट बेहतर से बेहतर जाए